अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आप ही लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे शेयर करने जा रही हूँ चिकन रोल पराठा की रेसिपी। कराची में ये एज ए स्ट्रीट फूड बहुत शौक़ से खाया जाता है, बच्चे बड़े सभी इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। यूँ तो रोल पराठे की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन जो बेसिक चिकन रोल पराठा है उसके साथ वो लोग एक ख़ास चटनी देते हैं वाइट कलर की, तो मैंने वो भी ख़ुद क्रिएट की है वो रेसिपी। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राई करना है। रोल पराठा बनाने के लिए आपको चाहिए होगा 2 कप मैदा। इसको गूंदने के लिए आपको चाहिए होगा नीम गर्म पानी। इसके अलावा 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून चीनी और 2 टेबलस्पून आपको तेल चाहिए होगा। अब सबसे पहले किसी एक खुले बर्तन में या बोल में मैदा ऐड करें और सेंटर में से थोड़ा साइड पे कर दें और एक स्पेस क्रिएट कर लें। और अब इसमें आप शामिल करें तेल, साथ में शामिल कर दें नमक और चीनी भी ऐड कर दें। अब थोड़ा सा पानी ऐड करके इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लें। इससे क्या होगा कि तमाम अज्जा मैदे के साथ बहुत अच्छे से मिक्सअप हो जाएंगे। ये कर लेने के बाद अब बस आपने थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी ऐड करते जाना है और इसको गूंद लेना है। और ये सख्त भी नहीं होना चाहिए और बहुत नरम भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा तेल लगा के आपने इसको 1 मिनट के लिए और गूंदना है और इसके बाद कवर करके तकरीबन 40-45 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है। चिकन रोल पराठा की स्पेशल चटनी बनाने के लिए आपको चाहिए होगा 1/2 कप दही, 1/4 टीस्पून नमक या फिर हसबे जायका, 1/2 टीस्पून भर के लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून आपको चाहिए होगा कुटावा भुनावा ज़ीरा। इसके अलावा 1/2 टीस्पून आपको चाहिए होगा लहसुन का पाउडर और इसके अलावा आपको चाहिए होगा 2 टेबलस्पून मेयोनीज़। अब आपने सिंपल दही में तमाम चीज़ें ऐड कर देनी है। तो सबसे पहले जाएगा नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, कुटावा भुनावा ज़ीरा, लहसुन का पाउडर और मेयोनीज़। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप एक गार्लिक क्लोव लेके उसको अच्छे से चॉप करके उसके साथ भी बना सकते हैं। और अब बस आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। चटनी रेडी है, इसको एक साइड पे रख दें। इसकी चिकन तैयार करने के लिए आपको चाहिए होगा 1/2 टीस्पून नमक या हसबे जायका, 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून कुटावा भुनावा ज़ीरा, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून आपको दही चाहिए होगा, 1 टेबलस्पून आपको नींबू का रस या फिर सिरका भी यूज़ कर सकते हैं, 1 चुटकी आप लेंगे ऑरेंज और रेड फूड कलर, और इसके अलावा धुआं देने के लिए आपको एक कोयले का पीस चाहिए होगा। इसके अलावा मैं इस्तेमाल करूँगी 250 ग्राम चिकन बोनलेस थाई। आप चाहें तो आप ब्रेस्ट पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब चिकन को मैरिनेट करना है तो सबसे पहले जाएगा नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, इसके बाद काली मिर्चों का पाउडर, कुटावा भुनावा ज़ीरा, गरम मसाला पाउडर, ऑरेंज और रेड फूड कलर। अगर आपके पास रेड फूड कलर नहीं तो आप ऑरेंज भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही जाएगा नींबू का रस, दही ऐड कर दें, साथ में ही अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये तमाम चीज़ें शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स करें। और मैरिनेट करने के लिए आपने इसको 30 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब एक पैन में 2 टेबलस्पून तेल शामिल करें और चिकन को ऐड कर दें। आपने इस चिकन को तकरीबन 10 से 12 मिनट या फिर इतना पकाना है कि ये पूरा अच्छे से गल जाए। साथ में ही आप कोयले का पीस भी रख दें ताकि वो स्मोक के लिए रेडी हो जाए। जब चिकन अच्छे से कुक हो जाए तो सेंटर में एक फॉइल का पीस रख दें और इसके ऊपर बहुत एहतियात के साथ गरम कोयले को रख दें और चंद कतरे तेल के इसके ऊपर आप गिराएं और राइट अवे आप इसको कवर कर दें और तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए धुआं देने के लिए छोड़ दें। अब रोल पराठे तैयार करेंगे तो उसके लिए यहाँ 50 मिनट हो चुके हैं। आटा जो है इसका बहुत अच्छे से सेट हो चुका है, रेडी है।
तो अब मैं इसके इक्वल पोर्शंस कर लूँगी, तो मैं इसको 600 में डिवाइड कर दूँगी अंदाज़े से ही इस तरह से। और अब आपने इनके पेड़े बना लेने हैं। अब आपने जिस तरह से रेगुलर घर में रोटी को बेला जाता है खुशका लगाते हुए रोलिंग पिन यूज़ करके आपने इसको फ्लैट कर लेना है। इसके बाद हाफ टी स्पून घी या आप तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं वो इस पे लगा के अच्छे से फैला लें। इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा आप छिड़क दें और एक छुरी की मदद से आपने इसको सेंटर में इस तरह से कट करना है और फिर एक साइड से आपने इसको रोल करते चले जाना है और रोल करते करते आपने दूसरी साइड तक इसको पूरा रोल कर देना है इस तरह से। बहुत इजी है और बल्कि इसी तरह से बहुत से लोग घरों में पराठा भी तैयार करते हैं और आप भी चाहें तो इस तरह से पराठा भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा लेयर्स वाला पराठा बनता है। ये कर लेने के बाद आपने इसको अच्छे से प्रेस करना है और स्ट्रेच करना है। अब आपने इसको कॉइल की तरह इस तरह से हाथ पे रखते हुए रोल करना है और फिर जो इसका आखिरी सिरा है उसको आपने उठा के इस तरह से मिला देना है। अब इसको अच्छे से प्रेस करें ताकि लेयर्स जो हैं वो पकाते वक्त खुले नहीं। और इसी तरह से आपने तमाम पेड़े तैयार कर लेने हैं। अब आपने सिंपल खुशका यूज़ करते हुए इसको आपने बेल लेना है, जिस तरह से रेगुलर रोटी या पराठे को बेला जाता है बिल्कुल उसी तरह से किनारों पे भी हल्का हल्का आपने इसको प्रेस करना है ताकि किनारे इसके मोटे ना रहें। अब गरम तवे पे थोड़ा सा घी ऐड करें और पराठा डाल दें। जब ये साइड थोड़ी पक जाए तो आप साइड को पलट दें और जब इस साइड पे भी हल्के बबल्स नज़र आएँ तो आपने हाफ टी स्पून घी ऐड करके इसकी साइड को चेंज कर देना है और इस साइड को आपने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेना है। बहुत ज़्यादा आपने कुक नहीं करना। इसके बाद जब ये साइड पक जाए तो आपने इस साइड पर भी तकरीबन हाफ टी स्पून घी ऐड करना है और साइड को चेंज कर देना है। और वही कि आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना वरना ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और हार्ड हो जाएगा। और इसी तरह से आपने तमाम पराठे पहले से ही तैयार करके एक साइड पर रख लेने हैं। अब पराठों को बनाना है तो उसके लिए ये पराठे यहाँ पे रेडी हैं। इसके अलावा चिकन ये भी तैयार है और स्पेशल चटनी वो मैंने इनिशियली आपको सिखा दी थी। और इसके अलावा आपको अनियन रिंग्स चाहिए होंगे। आप चाहें तो इस पराठे को खट्टी मीठी इमली की चटनी के साथ भी बना सकते हैं, वो मैं सिखा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अब सबसे पहले पराठे के ऊपर 3 से 4 टीस्पून भर के चटनी लगाएं, इसके बाद चिकन के पीसेस रख दें, अनियन रिंग्स ऐड कर दें और अब आप इसको फोल्ड कर लें। ये थी आज की रेसिपी, होममेड चिकन रोल पराठा। बहुत मज़े के बनते हैं, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें। बच्चों के लिए लंच बॉक्स में बना के दें या इफ्तार में बनाएं, लेकिन मेक श्योर कि आप ज़्यादा बनाएं क्योंकि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो अभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बिल्कुल फ्री है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।